नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार। आप हमारे सीहोर देवास ज़िला में आए, बहुत खुशी की बात है। आप हमारे यहाँ आए, गाने रिकॉर्डिंग करे और हमारे साथ बहुत टाइम बिताए, घूमने के लिए गए। और हम ये जानना चाहते हैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, आप इतने छोटे मुकाम से इतने बड़े मुकाम तक कैसे पहुँचे। देखो, समय तो लगा मेरे को भी, कुछ समय लगा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, समय तो लगा मेरे को भी। लेकिन क्या है, उस समय पे यूट्यूब का ज़माना नहीं था, अभी मोबाइल और व्हाट्सअप फेसबुक, तो अभी ज़्यादा करके लोग वहाँ ज़्यादा जाने लग गए हैं। अभी अपने सीहोर देवास ज़िले में भी करीबन 2-4 सालों से अभी लोग वहाँ जाने लग गए। लेकिन इस लाइन में मैं 14-15 साल हो गया हूँ। अभी धीरे 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 लोग भाग चाहते हैं, जैसे समय समय पे मेरे गाने रिलीज होते हैं, वो समय समय पे होते हैं। जैसे अपना भगोरिया के समय पे भगोरिया के गाने रिलीज होते हैं, जैसा मौसम वैसा गाना, वही गाना। और बारिश के समय पे बारिश के हिसाब से गाने रिलीज होते हैं, अपने जो दीपावली के हिसाब से दीपावली के गाने रिलीज होते हैं, जैसे टाइम टाइम पे गाने रिलीज होते हैं अपने। और अधिकतर क्या है, समय को देखते हुए काम लेता हूँ मैं, तो समय पे मेरे हर गाने अच्छे चलते हैं। और मेरे अंदर ये खासियत है कि मैं कभी गलत शब्द यूज नहीं करता, गलत शब्द से मैं गाना नहीं बना। आज तक हमने ऐसा कोई गाना ही नहीं सुना जो गलत शब्द से, आपका हर गाना आता है, जैसे वो बारिश वाला गाना, जैसा मौसम वैसा गाना, वो गाना बहुत हिट हुआ था। मतलब ऐसा है कि आपका जो गाना बन रहा वो गाना ऐसा हुआ ही नहीं कि हिट नहीं, हर गाना आपका हिट। सही है, उसके पीछे राज क्या है? देखो, वो एक समझदारी की बात है, समझना चाहिए लोग, जो भी अपने गायक लोग हैं बाकी, हाँ वो भी समझना चाहिए कि समाज किस हिसाब से, मतलब अपने समाज के जो लोग हैं और कौन से समय पे कौन से गाने यूज करते हैं, तो उस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि हमें इस समय पे इस टाइप के गाने बनाना चाहिए। गर्मी के टाइम पे गर्मी के हिसाब से, ठंडाई के टाइम पे ठंड के हिसाब से, त्यौहार आता है त्यौहार के हिसाब से, उस हिसाब से गाने बने तो अच्छा लगता है अपन को भी और जो सुनने वालों को भी अच्छा लगता है। हाँ, वो मेरी लाइफ के बारे में मैं बताऊँ, मैं तो हूँ एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक कोई नहीं बोल सकते कि आप अनपढ़ हो। मेरे को जब इस गायकी में आया, तब से मैंने एक जुनून रख लिया था कि मुझे कुछ करके दिखाना है। और मैं पढ़ाई के बारे में बिल्कुल जीरो हूँ, लेकिन पढ़ना लिखना मेरे को, हिंदी तो दूर की बात है, लेकिन इंग्लिश में तक अपन पढ़ना भी जानते हैं और लिखना भी जानते हैं। तो आप मतलब स्कूल गए ही नहीं? बिल्कुल भी नहीं। कोई फैमिली प्रॉब्लम था या कुछ कंडीशन थी पहले? मैं मेरे पिताजी का बड़ा बेटा हूँ। हाँ। और गाँव में मेरी अच्छी खासी जमीन है और हमारे घर परिवार में कोई काम करने वाला नहीं था। हाँ, तो इसलिए मेरे पिताजी ने मेरे को पढ़ाया लिखाया नहीं, लेकिन मेरे लिए अच्छा ही किया उन्होंने। हाँ, जब मेरे को मेरे गांव में जो अच्छा खेती संभाला मैं और मेरे पिताजी का सहारा बना मैं, क्योंकि बड़ा बेटा था ना। हाँ, तो पिताजी का सहारा बना मैं और उसके काम में हाथ बटाया मैं। जब तक मैं होशियार हुआ, जब मैं काम करने लायक हुआ, तब से मेरे पिताजी को मैंने सारे कामों से मुक्त कर दिया। अच्छा, मैंने संभाला जो एक बड़े बेटे को करने की, वो आपने करके दिखा दी जी। और आपने एक खुद का भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया जी। खेत में काम करते हुए मैंने उनकी माँ बाप की डांटे जितनी भी मिलती है, वो अपने लिए अच्छा होता है, एक आशीर्वाद की तरह ये। और माँ बाप जितने बेटे को डांटते हैं, घर से निकालते हैं, उसको जितने ताना मारते हैं, वो बेटे के लिए बहुत ही वो आशीर्वाद समझकर अपन उसको अंदर उतार लेना चाहिए। माँ बाप की डांटे अपने के लिए, अपनों के लिए
अच्छा होता है ठाकुर। जैसे आप कहीं भी निकलते, जैसे कि आज ही अपन लोग बहुत जगह घूमे, जहाँ जाते वहाँ चेहरा देखकर इंसान एक बार चौंक जाता है, उसी जगह से हलता नहीं कि ये भी हो सकता है कि यार हमारे सीहोर देवास जिले में कमलेश ठाकुर आ सकता है। मतलब लोगों के मन में विश्वास नहीं होता कि आप हमारे क्षेत्र में हमसे मिलने हमसे जुलने के लिए आते हैं। ऐसा लोगों को, जैसे आप आज भी निकले आप लोग मैं तो वहाँ पर लोग देखते ही रह गए कि यार ये कमलेश ठाकुर मेरी मेरी या अपने एक सपने में है। मेरी ये पहचान कि खास करके मेरा ये चश्मा और कुछ जॉकेट वगैरह, और कुछ लोग ऐसे नंबर तो मिल ही जाते हैं आजकल इधर उधर, लेकिन हाँ व्हाट्सएप पे छोटे बच्चे लगाते हैं या बड़े लगाते हैं। मैं सभी लोगों से प्रेम मान सम्मान के हिसाब से बात करता हूँ और अच्छी उन लोगों से मतलब फ्रेंडशिप करता हूँ, मैं उन लोगों से अच्छी बात करता हूँ, सभी से अच्छा व्यवहारिक रूप से बात करता हूँ। मैं अपने आप को बड़ा मानता नहीं, और मैं ये अभी इतना मतलब छोटा मोटा गायक कलाकार, नामी गायक कलाकार होने के बावजूद में भी मैं सभी दोस्तों से ऐसा रहता हूँ कि उनको भी बुरा ना लगे। हाँ, क्योंकि वो मैं उस स्थिति से निकला था, तो मेरे को सारी बातें मालूम है कि गरीबी क्या होती है, अमीरी क्या होती है, और आज के ज़माने में थोड़े बहुत घर में कुछ अपना कुछ हो जाता है, अपन थोड़े बहुत कई गाड़ी घोड़ा वाले हो जाते हैं, कई धन दौलत वाले हो जाते हैं, तो वो इंसान आजकल क्या है बहुत अपने आप को महान समझ आने लग जाता है, फिर ये एक घमंड आ जाता है। सही, बहुत बढ़िया बात ठाकुर साहब आपने बताया। जैसे आप कहीं भी शादी में जाते हैं बैंड लेके, आपका जो ठाकुर बैंड है उस बैंड में इतनी भीड़ लगती, हमने कहीं तो यूट्यूब पर भी देखे, कहीं व्हाट्सएप पे भी देखा, कई प्रोग्रामों में भी आए हम आपके साथ सेल्फी लेने के लिए भी, बहुत लोग भीड़ लग जाती जहाँ आप जाते हो। जैसे आज भी अपन गए, कितने लोगों की भीड़ लगी सेल्फी के लिए, सिर्फ एक आपकी यादें कैप्चर करना चाहता सामने वाला कि यार अपन इतने बड़े कलाकार के साथ है तो एक कुछ यादें हो जाए। तो जहाँ आप शादी में जाते वहाँ शादी में इतनी भीड़ हो जाती कि जो घर का मालिक है जो शादी करवा रहा है उसकी लड़की की हो या लड़के का हो कुछ का, तो वो जितना बड़ा ग्राउंड बना था उस ग्राउंड से 10 गुना बड़ा ग्राउंड पब्लिक बना के चले जाते नाच नाच के। सही, वो अपना प्रेम है मान सम्मान है, और अपन मेरे अंदर ये खासियत है कि मैं चाहे कौन से भी समाज के लोग हैं, चाहे निमाड़ भील भिलाले बारेले सभी समाज में मैं जाता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से उन लोगों को मैं कवर कर लेता हूँ कि जैसे निमाड़ क्षेत्र में कौन से गाने प्रस्तुत करना चाहिए और कौन सा रिदम कौन सा सुरताल चलाना चाहिए वो मेरे में दिमाग है, और बारेले में किस तरह नाचते हैं, भील भिलाले को किस तरह नाचते हैं वो मेरे अंदर पूरी खूबियाँ है, मालूम है मेरे को कि उस चीज़ को मैं कहीं भी क्षेत्रों में घुसता हूँ तो कवर कर लेता हूँ। तो सारे लोगों को मैं मेरे जो मधुर आवाज़ से मेरी कला से उन लोगों का दिल जीत लेता हूँ। जैसे शादी में गया, शादी में इतनी भीड़ हो जाती तब को कितना अच्छा लगता होगा, और आज तक हमारे सीहोर देवास जिले में और आसपास के जैसे आपके भी इलाके में सेंधवा बड़वानी खरगोन हो गया, और जहाँ भी आपका जो बैंड जाता है उस बैंड में उतनी भीड़ रहती है जो अपन उसको बोल नहीं सकते कि किस हिसाब से उसको बोलना चाहिए, इतनी भीड़ कैसे हो जाती। और कोई आपके उधर के गायक भी है, बहुत सारे गायक हैं, बहुत अच्छे गायक हैं बेचारे वो भी, तो उनके जब बैंड जाते हैं उतनी भीड़ क्यों नहीं रहती। वो खासियत ये है कि जो रिदम देना चाहिए, जो धुन जो अपने समाज में जो खास करके लोगों का पैर उछलना चाहिए, लोगों के अंदर की जो आत्मा है वो खुद अंदर के अंदर उनको महसूस होना चाहिए कि यार क्या बज रहा है, क्या रिदम बज रहे है, क्या संगीत बज रहा है, क्या आवाज़ निकल रही है, तो अपने आप मतलब उन लोगों के अंदर ऐसा लगता है कि मैं भी नाच सकता हूँ।
ऐसा में सभी लोगों जो खड़े रहते हैं उनको भी लगता है कि हाँ क्या टाइमिंग के साथ बजा रहे हैं, और बाकी जो है वो भी अच्छे ही बजा रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी टेक्निक नहीं है समझ लो। हाँ सही है। जैसे ठाकुर आपके आसपास इलाके में बहुत से गायक हैं, हमारे इधर कम है पर आपके उधर बहुत गायक हैं, तो वैसे तो आपके कोई बुराई करता ही है, अगर कोई जैसे आपकी बुराई करता तो आपको उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कोई आ जाता ना कि कोई आदमी ऊपर चढ़ रहा था उसकी टांगे खींचना, तो आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ? मैं ये हो रहते हैं कोई कोई अपने जलने वाले रहते हैं, लेकिन उन लोगों पे मेरे को गुस्सा नहीं आता है। वो क्या है कि उन खुद उन जैसे अपने पे जलता है तो उस पर मैं दया करता हूँ कि यार बेचारा उनके अंदर के दिमाग तो हाँ थोड़ा कुछ कम है, हाँ आउट है थोड़ा, ऐसा हाँ। लगता है कि एक ना एक दिन उन खुद को भी समझ आ जाएगा। आप लेकिन मैं जो मेरे क्षेत्र में अभी बड़े गायक है तो बड़ा उसको बड़ा ही मानता हूँ मैं, उसकी भी इज्जत करता हूँ मैं, और उसको मैं गुरु ही मानता हूँ, लेकिन क्या मालूम मेरे बारे में वो क्या सोचते क्या नहीं, लेकिन उनकी बुराइयाँ भी नहीं करता। हाँ जैसे कि कोई बोलता कमलेश ठाकुर ऐसा वैसा, आज तक हमने तो नहीं सुना, पर आपको तो कोई बोला होगा या नहीं बोला होगा? नहीं अभी तक तो कहीं नहीं बोला, कोई भी नहीं बोला। बहुत से रहते ना कि हाँ रहते हैं लेकिन मेरे सामने पीठ के पीछे वार करते हैं कोई कोई, लेकिन सामने आते हैं तो वो भी किसी में हिम्मत नहीं। हाँ अच्छे बात कर लेते हैं और अच्छे। और आपके साथ हमेशा अधिकतर हम सुरेश डुडवे को देखते हैं, अधिकतर देखते हैं आपके साथ। डुडवे के बारे में बताओ तो डुडवे को मैंने जीरो से हीरो बना दिया। जीरो से हीरो जी। और डुडवे की लाइफ में जब अच्छा था उस समय पे भी, लेकिन वो थोड़ा भटका हुआ था, तो आज की तारीख में वो रास्ते लग गया, और वो भी बेचारा मेरी इज्जत करता है बढ़िया। वो भी हमारी दोस्ती फ्रेंडशिप वो भी जब से बेचारा आज की तारीख में दो पैसे कमा रहा है। आपका बहुत जिगरी आ रहा है, जिगरी आ रहा है, हर समय दुख की घड़ी हो सुख की घड़ी हो किसी भी घड़ी हर समय के साथ साथ देता है। बहुत अच्छा आदमी हमने हमेशा देखे कहीं भी, जैसे आप हमारे जैसे बाहर इलाके में जैसे सीहोर जिले में आए जहाँ आप धूम मचा के गए, जहाँ पब्लिक का पैर नहीं थम रहे थे कि अब रुक जाओ, पर पब्लिक ये बोल रहे थे कि नहीं मैं नाच लूँ ऐसे, तो वहाँ भी डूब जाते थे। बहुत अच्छा करते हो बेचारे कलाकारी, बढ़िया है। और ठाकुर जैसे आप आपके फैमिली में कुछ बताना चाहें फैमिली परिवार के बारे में? फैमिली परिवार में जैसे मेरे भाई हैं, अभी छोटा भाई मेरा तो ड्रम बजाता है, हाँ। और जो बीच वाले दो भाई हैं वो भी शादीशुदा है, लेकिन उन्होंने भी आज तक मेरे को दादा बोलते हैं मेरे को, लेकिन एक भी शब्द मेरे को नहीं बोला। मेरे भाई इतने मेरी इज्जत करते हैं, मेरे मम्मी पापा मेरी इज्जत करते हैं, मेरे को कुछ भी एक शब्द नहीं बोलते कि तू ऐसा। फैमिली का पूरा सपोर्ट है, पूरा फैमिली मेरी, और फैमिली को ऐसा कवर कर रखा हूँ मैं कि बेचारे को कभी हमारे घर में अशांति नहीं, शांति ही शांति है। और जैसे और घर में खिंचा खिंची नहीं, सुख शांति पूरे परिवार बढ़िया बातें करते हैं। जैसे ठाकुर हमारा इलाका आपको कैसा लगा? सीहोर देवास जिला बहुत ही अच्छा लगा। मैं अभी आज बहुत से गांवों में घूमा, जैसे सलकनपुर माता गए, जो लड़कुई अमला पानी हर गांव नसुलागंज अमला पानी गांव में कुसमी, हाँ कुसमी गांव में गया तो बढ़िया स्वागत किया, और सभी दादा दादी भाई बहन सभी अच्छे मान सम्मान के हिसाब से मेरे को अच्छा मतलब व्यवहार दिया, मान सम्मान दिया, बहुत ही अच्छा लगा। मैं यही चाहता हूँ कि कोई अपने अंदर नफरत पैदा ना करे और प्रेम भाव और दया भावना के रास्ते पे चले, वही। हाँ सर, जैसे ठाकुर हमारा एक पवार म्यूजिकल रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, आपने जहाँ पर रिकॉर्डिंग करा कैसा लगा हमारा स्टूडियो? बढ़िया लगा, बढ़िया लगा, एक नंबर लगा। और ठाकुर साहब आपने अपनी पूरी बातें बताई, तो दोस्तों ठाकुर साहब ने पूरी उनके लाइफ में जो कुछ हुआ वो हमारे बारे में है, उनके बारे में शेयर करें, अपन सब भाई को बताएं। धन्यवाद।